पता है रोना बहुत जरूरी होता है, लेकिन इसके बारे में कोई बताता ही नहीं है। बचपन से हम यही सुनते हैं, रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं। हमेशा माँ बाबा कोई ना कोई आपके आंसू पहुंच ही देगा, कोई और नहीं तो आपकी स्कूल में आपका कोई दोस्त, आपकी टीचर्स। बचपन से लेकर अक्सर हमारे आंसुओं को पोंछ दिया जाता है, और इसीलिए शायद बड़े होते होते जितनी भी तकलीफें होती हैं, कोई भी सिचुएशन हो, हम अक्सर बस आंसू छुपाने हैं। वॉशरूम में रो लेना, चुपचाप अकेले कहीं किसी कोने में जाके रो लिया। और मर्दों की हालत तो बहुत ही खराब, मर्दों को तो रोने से इस तरह से जज किया जाता है जैसे पता नहीं क्या हो गया, जैसे मर्दों को रोने का हक ही नहीं है, उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती, वो रो नहीं सकते। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों करते हम? बहुत जरूरी होता है रोना। मन के अंदर से बाल्टी भर के अगर आंसू निकलते हैं तो उनका निकाल देना, बाहर आ जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक वो सब भरा रहेगा ना, आपको बहुत अजीब महसूस होगा, आपको भारी महसूस होगा, घुटन महसूस होगी। इसीलिए रोना बहुत जरूरी होता है। मैं जानती हूं ऐसे लोगों को जो अक्सर ऐसी चीजें करते हैं जिनसे उन्हें कूट के रोना आ जाए। स्पेसिफिक गाने सुनते हैं, जानबूझ के ऐसी पिक्चरें देखते हैं, तस्वीरों के साथ बैठ जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो एक तरह की थेरेपी होती है मन हल्का करने की। अपने एहसासों को मन के अंदर दबा के रखेंगे ना तो जीना मुश्किल हो जाएगा। खुलकर जीने के लिए खुलकर रोना बहुत जरूरी है, तभी तो खुलकर हंस पाओगे।